दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी स्थान पर निवास किया था। ये दोस्तों विश्व की एकमात्र मानव आकार में हनुमान जी की मूर्ति है। तो मानव आकार में संसार का एकमात्र मंदिर मानव रूप में हनुमान जी का, वो विराट नगर बेराट में स्थित है। दोस्तों ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था, विराट नगर बेराट में। यहाँ पर महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष है, बौद्धकालीन सभ्यता के अवशेष है। यहाँ पर प्राचीन बौद्धकालीन स्तूप भी मिले हैं, सम्राट अशोक के यहाँ पर शिलालेख मिला है, अशोक का भाबरू शिलालेख, जिसमें बुद्ध धम्म संघ के बारे में बताया गया है। और ये दोस्तों पंचगट्टा पहाड़ी है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम ने रास्ता बनाने के लिए एक पहाड़ पर गद्दा मारकर और इस पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो वही है। और कहा जाता है कि इस पहाड़ी के जो बड़े बड़े शिलाखंड दिखाई दे रहे हैं आपको, इन शिलाखंडों से पांडव है वो गट्टे खेलते थे, यह आप देख सकते हो दोस्तों। विराट नगर का आसपास का पहाड़ों का दृश्य, ये मंदिर पहाड़ पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर भीमला तालाब, भीमताल शिला, बौद्धकालीन अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष, मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पर मिली है। ये दोस्तों प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और मानव आकार में हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति मिली है। आज से हजारों साल पहले की ये शिलाएं हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो। इन शिलाओं को भीम अपने हथेलियों पर उठा लेता था, इसलिए इन्हें भीमलत शिलाएं भी कहा जाता है। यह आप देख सकते हो, ये गुफाएं हैं इस पहाड़ में। और ये शिलाएं इस प्रकार अधर रूप में अभी भी स्थिर है, इस तरफ भीम गुफा है। ये दोस्तों प्राचीन गुफा में मंदिर है, वो हम देखते हैं। और यहाँ पर विशाल शिवलिंग भी है। ये दोस्तों ये प्राचीन विशाल शिवलिंग जिसकी पांडु पूजा करते थे अज्ञातवास के दौरान, ये आप देख सकते हो। भगवान शिव और ये उनका नांजा, ये देख सकते हो दोस्तों शिव के त्रिनेत्र रूप में शिवलिंग, गुफा के अंदर ये शिवलिंग है दोस्तों। और यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ये आप देख सकते हो। गणेश जी, पार्वती जी, इनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ये भोले बाबा का शिवलिंग। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये पहाड़ जो शिलाओं के आपस में मिलने से बना हुआ है, बड़ी बड़ी यहाँ पर चट्टाने हैं, शिलाएं हैं, और वो अलग अलग खंडों में विभाजित है, फिर भी इस पर मंदिर बना हुआ है। प्राचीन ऐतिहासिक और भारत का प्राचीन सभ्यता का मंदिर। ये आप देख सकते हो दोस्तों विराट नगर में आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो, और यहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं, भीम डोंगरी है, अशोक का भाबरू शिला